दोस्तों इस वीडियो का मकसद ना कोई किसी कंपनी को टारगेट करना है या कोई पर्टिकुलर पर्सन को। इस वीडियो को इसलिए आप लोग कृपया सीरियसली मत लीजिए, और अगर किसी चीज़ को सीरियसली लेना चाहते हैं तो सभी अवार्ड्स को कृपया बहुत बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये सब लोग आप लोग ही चूज़ किए हैं। और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, एक और नया जबरदस्त वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं आप लोगों के पास। और आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, इट्स गोइंग टू बी ए स्पेशल वीडियो। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वीडियो साल में एक बार ही आने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट अवार्ड सेरेमनी एज द यंगेस्ट टेक यूट्यूबर इन यूट्यूब। ये दोस्तों, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग स्मार्टफोन्स एंड देयर मैन्युफैक्चरर्स। दिस इज द TTEG स्मार्टफोन अवार्ड्स 2020। और आपको इसको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। 12 अलग अलग कैटेगरीज हैं दोस्तों, जिसमें 12 विनर्स हैं। सब आप लोग चूज़ किए हैं, मतलब हमने चैनल में बहुत सारे पोल्स डाले थे और वहाँ से यू ऑल हैव चूजन द विनर्स, और सभी विनर्स को एक एक ट्रॉफी मिलने वाला है। दिस इज द ट्रॉफी, विनर्स ट्रॉफी। हाँ, भले में ये कवर है क्योंकि ये वाला मतलब पीछे लिखा है ना, तो इसीलिए गंदगी ना आए तो इसको कवर किए हैं हमने। और इसी के साथ साथ दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग गेस्ट्स को इनवाइट किए हैं हमने इसी अवार्ड सेरेमनी के लिए। एंड तक देखे, बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत ही फनी होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले अवार्ड कैटेगरी की तरफ, एंड दैट अवार्ड इज़ फॉर द बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑफ 2020। एंट्री लेवल मतलब 10,000 के नीचे, एक पैसा भी ज़्यादा नहीं, एक पैसा कम भी नहीं। एंड द नॉमिनीज आर माइक्रोमैक्स इन 1B, पोको C3, रियलमी नार्जो 20A एंड रियलमी C3। एंड द विनर ऑफ द बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन गोज टू, आप लोग ने गेस किया है, इट इज़ माइक्रोमैक्स इन 1B। और सेकेंड प्लेस में जो आता है दोस्तों, दैट इज़ द रियल मी नार्जो 20A। माइक्रोमैक्स इन 1B को मिला 72% वोट्स, और रियल मी नार्जो 20A को मिला 16% वोट्स। और इस अवार्ड को देने के लिए, इस अवार्ड को लेने के लिए मैं स्टेज पर बुला लेता हूँ माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल शर्मा जी को, और ट्रॉफी भी हाथ में ले लेते हैं। राहुल जी आइए, ये रहा आपका ट्रॉफी। थैंक यू TTEG अनबॉक्स। सर, ट्रॉफी के बारे में कुछ बोलिए, कैसा लगा आपको? पहली बार आप आए हैं, पहले बार में ही आप इतने धमाल कमाल मचा दिए, कुछ बोलिए सर। देखिए दोस्तों, हम लोग जब शुरू किए थे, जब हम लोग ने पहली बार इंडियन मार्केट में कदम रखा, तो हम लोग का एक ही मकसद था, आप लोग के लिए अच्छे फ़ोन्स लाने। क्योंकि दोस्तों, हमारे फ़ोन्स के बैटरी अगर चाइनीज़ हो, फिर भी हमारा दिल हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का दिल के लिए दिल हिंदुस्तान में रहेगा, और हिंदुस्तान में अगर दिल है तो दिल में हिंदुस्तान रहेगा। हमारा जो प्लान है बहुत ही बड़ा है दोस्तों, हम लोग इंडियन मार्केट को बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं। इस ट्रॉफी को साइड में रख देते हैं, और हम हर वक्त एक अच्छे मोमेंट्स लेते हैं। We do not compromise on quality. More moments later. इसके साथ साथ हम लोग का और भी बहुत बड़े बड़े प्लान है इंडियन मार्केट के। 1 hour later. हम आपके लिए जब लाए थे माइक्रोमैक्स इन 1B, तब हमने उस पर टाइप सी केबल रखा था। 6.5 hours later. दोस्तों, हम लोग हर वक्त आपके लिए सोचते हैं। 3 weeks later. And क्या ही बताए दोस्तों, ओ भाई, मारो मुझे। हम लोग उतना भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था पहले। 2000 years later. और भी अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग उतरेंगे। 1 eternity later. तो इसको बकने दो यार, छोड़ो, मैं चले। दोस्तों, बढ़ते हैं अभी हमारे अगले स्मार्टफोन कैटेगरी की तरफ, एंड दैट इज़ फॉर द बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन ऑफ द ईयर। एंड द नॉमिनीज आर OnePlus 8T, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, Mi 10T, iPhone SE। एंड द विनर ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन ऑफ द ईयर गोज टू, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, बिकॉज आई थॉट दैट
OnePlus 8T will win, but the winner is iPhone SE 2020. और OnePlus 8T को मिला है सेकेंड प्लेस, iPhone SE को मिले 65% वोट्स एंड OnePlus 8T को मिला 26% वोट्स. और इस अवार्ड को लेने के लिए हम एप्पल की तरफ से जो चचा आए हैं उनको हम स्टेज पे बुला लेंगे. मुझे पता नहीं कि ये चचा सचमुच एप्पल से आए हैं या नहीं, पर इतना दूर से आए हैं तो इनको ही दे देते हैं ये ट्रॉफी. चचा आइए. हम दूर से चचा को ट्रॉफी देंगे. चचा कुछ बोलिए. चीप क्वालिटी ट्रॉफी, चीप नॉट गुड क्वालिटी. नेक्स्ट टाइम कैश प्राइस भी रखेगा. हाँ कैश प्राइस भी रखना, नहीं तो जमता नहीं है. इतना दूर से आए सिर्फ ये 20 रुपया का ट्रॉफी के लिए गजब बेइज्जती है यार. क्या ही बता, चीप क्वालिटी ट्रॉफी हमारे. चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन कैटेगरी की तरफ, एंड दैट अवार्ड इज फॉर द बेस्ट फ्लैगशिप ऑफ द ईयर 2020. एंड द नॉमिनीज आर आईफोन 12 प्रो मैक्स, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G, वन प्लस 8 प्रो, ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो एंड ओप्पो फाइंड एक्स 3 बोथ, ओप्पो फाइंड एक्स 3 फुल सीरीज. एंड द विनर ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 गोज टू iPhone 12 Pro Max, जिसको 100% वोट्स मिले हैं पोल में. मतलब एवरीबडी थॉट iPhone 12 Pro Max. तो इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए हम फिर से वही चचा को बुलाएंगे जो हमें बेइज्जती करने के लिए आएंगे. चचा आइए ट्रॉफी ले जाइए. एक और ट्रॉफी चीप क्वालिटी. यदि करना है तो बोल ही दीजिए चिप क्वालिटी ट्रॉफी. क्या ही बोले, वी ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर प्राइसेस एज लो एज पॉसिबल. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया में आईफोन का जो 12 प्रो मैक्स 12 इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 lakh 20,000. वेरी चीप, सो चीप दैट यू हैव टू सेल योर किडनी टू बाय. Very very cheap. तो दोस्तों अगले स्मार्टफोन कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं. उससे पहले दोस्तों एक बार स्पॉन्सर्स को भी देख लेते हैं इस वीडियो को. दोस्तों सैमसंग, एप्पल, साउमी, रेडमी, वीवो, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वन प्लस, नोकिया ने स्पॉन्सर नहीं किया है, और इस वीडियो को खुद हमने स्पॉन्सर किया. चलिए दोस्तों बात करते हैं अभी हमारे अगले स्मार्टफोन कैटेगरी की तरफ, एंड दैट इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट बैटरी स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020. एंड द नॉमिनीज आर सैमसंग अनबॉक्स की आप हमें ये अवार्ड देंगे. सर मरवा क्या, और ये भी पता था कि आप लोग हमें ही चूज करेंगे, क्योंकि देखिए सैमसंग का बात कुछ ऐसा है कि आप लोग का दिल से जुड़ा है. बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम आपके लिए मस्त फोन्स बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे भी. एंड और क्या बोले, वंस अगेन हमें पता था कि आप हमें अवार्ड देंगे. थैंक यू. Oh, no.
तालियां तालियां, मजा आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले स्मार्टफोन कैटेगरी की, एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी, और वो है द मोस्ट इनोवेटिव स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020, एंड द नॉमिनीज आर सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2, मोटो रेजर, LG विंग, LG G8X ThinQ, एंड द विनर ऑफ द बेस्ट इनोवेटिव स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020, ये जीता है दोस्तों, एज यू ऑल हैव गेस्ड, सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 2। और इसका जो कीमत है 150,000 है, और सेकंड प्लेस में जो आता है वो है मोटो रेजर 5G, उसका कीमत है 80,000। और जेड फोल्ड 2 का हमने अनबॉक्सिंग किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर मैं कार्ड्स में भी डाल रहा हूँ, जाके देखिएगा। और इस अवार्ड को लेने के लिए हम फिर से स्टेज पे बुलाएंगे सैमसंग की तरफ से राजीव जी को। आइए सर, एक और ट्रॉफी ले जाइए। और ये है आपका ट्रॉफी, लीजिए सर। फिर से कुछ बोलिए, वीडियो का लेंथ भी बढ़ेगा। एक और अवार्ड, एक और सफलता सैमसंग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता था ये भी अवार्ड आप हमें ही देंगे। सर मरवा गए क्या फिर से? थैंक यू सर, थैंक यू, तालियां हो जाए। दोस्तों अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020, एंड द नॉमिनीज आर iPhone 12 Pro Max, Vivo V20 Pro, Google Pixel 4a, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Oppo Find X2 Pro, and the winner of the best camera smartphone of the year 2020 goes to iPhone 12 Pro Max. और second place में जो है वो tie हो गया है, Vivo V20 Pro और Google Pixel 4a का tie है। यहाँ पर दोस्तों अगले स्मार्टफोन के अवार्ड को रिसीव करने के लिए हम चाचा को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि चाचा अभी हॉस्पिटल में है, हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हम इस अवार्ड को, इस ट्रॉफी और अवार्ड को हम खुद ही अपने पास रख लेंगे, और इस ट्रॉफी को बेच के अगर कुछ पैसा आया तो उससे हम और थोड़ा सा स्पॉन्सर्स बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा तो कुछ कमा ही होगा। चलो दोस्तों, और हमारे इस स्पीच के लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए, और इस स्पीच में सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलिए दोस्तों अगले स्मार्टफोन कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020, एंड द नॉमिनीज आर Vivo V20 Pro, Moto Edge Plus, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Mi 10T and Oppo F17 Pro, and the winner of the best looking smartphone of the year 2020 goes to Vivo V20 Pro. और इसका जो sunset melody color है वो सबसे ज़्यादा सबको पसंद आया है, so that is the award and that is the winner of this category. और इस award को receive करने के लिए हम stage में बुला लेंगे Vivo की तरफ से निपुण मारिया जी को। तो सर आइए, trophy ले जाइए और कुछ बोल के भी जाइए। ट्रॉफी, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अद्भुत, 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 वाह 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 वाह। हम ऐसे भी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, हम फोन लॉन्च करके दिखा देते हैं, एंड दिस अवार्ड स्पीक्स ऑफ इट। सही बताए दोस्तों, एक एक जबरदस्त फोन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, करते जाएंगे, और आप सिर्फ देखते रहिए दोस्तों, हम फोन्स को इतने पतले करेंगे दोस्तों कि आपको लास्ट में एक ऐसा समय होगा कि फ़ोन को आप देख ही नहीं पाओगे, ट्रांसपेरेंट फोन्स भी आएंगे। यस, एंड आई कैन गारंटी यू फॉर दैट। और क्या बोलो दोस्तों, वन सेकेंड, थैंक यू फॉर द अवार्ड TTG अनबॉक्स, हम जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भले में एक ही अवार्ड मिला, बहुत बहुत तालियां हो जाए, पहली बार हम सुने कोई कम बोले, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले स्मार्टफोन कैटेगरी की, एंड दैट
is the award for the best compact smartphone of the year 2020, and the nominees for this award are Google Pixel 4a, iPhone 12 mini, and the last one, iPhone SE 2020 edition. And the winner of the best compact smartphone of the year 2020 goes to iPhone 12 mini. और इसको ही सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, सेकंड प्लेस में कोई ही नहीं है. एंड इस अवार्ड के लिए हम चाचा को नहीं बुला सकते क्योंकि चाचा अभी कोविड नहीं हॉस्पिटल में है. और क्या करें, अवार्ड एक ही है और इस अवार्ड को भी हम खुद ही अपने पास रख लेते हैं. क्या बात है, तालियों. चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले स्मार्टफोन अवार्ड की. एंड दैट इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020. एंड द नॉमिनीज आर सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, वीवो V20 प्रो 5G, ओप्पो रेनो 3 प्रो, ओप्पो रेनो 4 प्रो. एंड द विनर ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 गोज टू सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा. और सेकेंड प्लेस में आ जाता है वीवो V20 प्रो 5G. इस अवार्ड को लेने के लिए हम स्टेज में बुला लेंगे सैमसंग की तरफ से जो आए हैं राजीव जी को. राजीव जी काइंडली आइए और अवार्ड ले जाइए. एक और अवार्ड के लिए हम आ गए हैं. सर फिर से कुछ बोल दीजिए, फिर से आप एक अवार्ड मिल रहा है आपको, फिर से कुछ बोल दीजिए, फिर से वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हमें ये भी पता था कि ये वाला भी अवार्ड आप हमें ही देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिए. और हाँ, टीटी जैनबॉक्स का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तालियां मारो सर, तालियां तालियां. दोस्तों अगला जो स्मार्टफोन कैटेगरी है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी. एंड दैट इज़ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020. एंड द नॉमिनीज फॉर दिस आर Realme X3, Asus ROG Phone 3, iQOO 3, Mi 10T Pro. And the winner of the best gaming smartphone 2020 is, as you have guessed, ROG Phone 3. And ये दोस्तों मतलब मैं 100% sure था कि सब इसको ही वोट करेंगे. बट सेकेंड प्लेस में मैं सोचता था कि iQOO 3 आएगा, बट iQOO did not come. और सेकेंड प्लेस में आ जाता है Realme X3. तो इसीलिए मैं स्टेज पे बुला लेना चाहता हूँ आसुस के इंडियन मार्केटिंग हेड दिनेश जी को. आइए दिनेश, दिनेश सर आइए और ले जाइए आपके ट्रॉफी. जय हिंद. कुछ अच्छी चीज़ बोलिए सर. कुछ तो फ़ोन वोन लॉन्च नहीं करते हैं आप लोग, पर कुछ बोलिए सर, नेक्स्ट फ़ोन कब आएगा. थैंक यू. वी आर ट्राइंग टू सीकर ए कम बैक इन द इंडियन मार्केट. और हम जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में हमें कोई बीट नहीं कर सकता. नो बडी कैन बीट अस, दैट इज़ वाई वी गॉट द अवार्ड. बहुत ही जल्दी हम कम बैक करने वाले इंडिया में. स्टे ट्यून्ड. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू, तालियां हो जाए. चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन कैटेगरी की तरफ. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आप लोग के लिए. जब आप एक स्मार्टफोन लेते हो तो बेसिकली आप लोग इस कैटेगरी में ज़्यादा स्मार्टफोन लेते हो. एंड दिस इज़ द कैटेगरी फॉर द बेस्ट मिड रेंज ऑल राउंडर स्मार्टफोन ऑफ द ईयर. और इसका जो रेंज है 35,000 से 25,000 के अंदर है. एंड द नॉमिनीज आर ओप्पो रेनो 4 प्रो एट द रेट 34,990, iQOO 3 एट द रेट 31,990, Vivo X50 at the rate 34,990 and Vivo V20 Pro at the rate 29,990. And the winner for the best mid-range all-rounder smartphone of the year 2020 is Oppo Reno 4 Pro. और सेकंड प्लेस में आ जाता है Vivo V20 Pro. बहुत बहुत तालियां हो जाए. बहुत बहुत तालियां, तालियां, तालियां दोस्तों, तालियां. अगले अवार्ड को रिसीव करने के लिए हम स्टेज में बुलाएंगे ओप्पो की तरफ से जो दमयंत सिंह आए हैं, उनको हम स्टेज में बुला लेंगे. सर आइए. ये मास्क और ये सब पहन के क्यों है रे, क्यों है? चलो ट्रॉफी दे ही देते हैं.
सर कुछ बोलिए, सर कुछ बोलिए। दोस्तों अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट बजट ऑलराउंडर स्मार्टफोन ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये मिड रेंज और बजट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मिड रेंज रेफर्स टू 25 to 35,000 और बजट रेफर्स टू 10,000 से लेकर 25,000 तक। एंड द नॉमिनीज फॉर दिस आर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स एट द रेट 18,499, सैमसंग गैलेक्सी M51 एट द रेट 22,999, पोको X3 एट द रेट 16,999, रियलमी 7 प्रो एट द रेट 19,990 एंड वीवो V20 प्रो एट द रेट 24,990। एंड द विनर फॉर दिस अवार्ड गोज टू द वन एंड ओनली Redmi Note 9 Pro Max। ये पूरा जस्टिफाइड है दोस्तों, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स इन दिस कैटेगरी दैट आई हैव एवर सीन। Redmi ने एक तबाही मचा दिया था इस फ़ोन को लॉन्च करने के बाद, और ये Redmi Note 9 Pro Max को मिलता है। और सेकंड प्लेस में आ जाता है Samsung Galaxy M51। और इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए मैं स्टेज में बुलाना चाहता हूँ Redmi के CEO मनु कुमार जैन जी को। सर आइए, ट्रॉफी ले जाइए, अवार्ड ले जाइए। ये रहा आपका ट्रॉफी सर। सर कुछ बोलिए अवार्ड के ऊपर। दोस्तों हमें तो पता नहीं था कि आप हमें भी अवार्ड देंगे TTG। अरे सर वैसा मत बोलिए, ये तो हमारा फर्ज था। आप अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करते, आपको अवार्ड देना बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवार्ड देने के लिए। एंड वी ऑलवेज मेक प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया, इन इंडिया, बाय इंडिया। और क्या ही बताया दोस्तों, हमने लॉन्च किया दोस्तों इसी कुछ दिन पहले Mi 10i, फिर लॉन्च किया Redmi 9 Power। ये फिर शुरू हो गया, फिर से वही राहुल शर्मा के जैसा। और भी ढेर सारे लॉन्चेस आने वाले हैं, स्टे ट्यून रहिए और हमारे फोन्स खरीदते रहिए। भले ही हम रिब्रांड करते हैं चाइनीज के फोन्स, चाइना के फोन्स। थैंक यू सर, तालियां हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी की तरफ एंड दैट इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्मार्टफोन UI ऑफ द ईयर 2020। एंड द नॉमिनीज आर ऑक्सीजन OS 11, मी UI 11, वन UI 2.5 एंड कलर OS 11। एंड द विनर फॉर द बेस्ट स्मार्टफोन UI ऑफ द ईयर 2020 गोज टू ऑक्सीजन OS 11। और ये पूरा जस्टिफाइड था, बहुत ही अच्छा ये UI है। एंड इसके इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए नहीं, सेकंड प्लेस में तीन जन आए हैं, कलर OS 11, मी UI 11 और वन UI 2.5। तो जिसका कलर OS था उन लोग कलर OS को वोट किए, जिसका Redmi था वो मी UI को वोट किए, और वन UI था उसको एक जन और एक जन तीन चार जन वोट कर लिए, ऑक्सीजन OS को बाकी सब वोट कर लिए, 55% लोग वोट कर लिए। वाह क्या बात है दोस्तों। और वन प्लस की तरफ से हम सिद्धार्थ नारायण को बुलाना चाहते हैं हमारे स्टेज पे इस अवार्ड को लेने के लिए। और सर आइए, आइए अवार्ड ले जाइए। सर आपको कैसा लग रहा है अवार्ड पाने के बाद? थैंक यू फॉर द अवार्ड TTG अनबॉक्स। भले ही में हम लोग को स्मार्टफोन कैटेगरी में तो नहीं मिला, पर UI में तो हम लोग सालों से साल तक नंबर वन ही रहेंगे, कोई हमें बीट कर नहीं पाएगा। और हमें अच्छा लग रहा है, अगले साल दोस्तों रेडी रहना, क्योंकि वन प्लस ना ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि हर कैटेगरी में नंबर वन आएगा। रेडी रहना, रेडी। वन प्लस। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? यहाँ पे दोस्तों सभी कैटेगरीज हो जाते हैं खत्म। और अच्छा माधव सर जी पैसा दिया था,
एक रुपये दिया था। अच्छा ठीक ठीक। यहाँ पे दोस्तों एक और स्मार्टफोन कैटेगरी रुक गया है और इसकी अवार्ड का विनर जाता है कौन सा कैटेगरी को, सब कैटेगरी तो खत्म हो गया, बेस्ट 5G स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2020 और इसकी अवार्ड दोस्तों जाता है Realme X50 Pro 5G को। और इस अवार्ड को लेने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ कौन था भाई जो पैसा दिया था, माधव सेठ जी को। माधव सेठ जी आइए आइए, ट्रॉफी ले जाइए। नहीं नहीं, ऑडियंस पकड़ के मारे, चुप, बिल्कुल चुप। इनके हाथ नहीं चलेगा, सॉरी सॉरी कट, इसको काट दो, फाइनल वीडियो में देखना नहीं चाहिए, काट दो काट दो। दोस्तों जाने से पहले एक बार टिम कुक को भी फोन लगा लेते हैं कि सचमुच चाचा आए थे या नहीं एप्पल से। नया साल COVID-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसीलिए भारतीय हेलो हेलो सर, हेलो सर, सर दिस इज TTG अनबॉक्स फ्रॉम इंडिया टेक रिव्यूअर। यस, पता नहीं चला है आप कौन, पहचाना नहीं तो। वो सर जिसको आप कभी स्पॉन्सर नहीं करते हैं, हाँ हाँ अब पता चलेगा, देखो ओ हाँ 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 अब पहचाना अब पहचाना। हाँ तो सर ये पूछ रहे थे कि हमारा अवार्ड से तो ख़त्म हो गया, आप तो नहीं आए और आप लोग ने एक चचा को भेजा था, ये चचा आप लोग भेजे थे ना, कौन चचा, हम तो कोई चचा को नहीं भेजे, हम कोई चाचा को नहीं भेजा रे, किसी को नहीं भेजा। रख फोन रख रख रख, फोन काट दिया। एप्पल में रह के अभी रियलमी का फोन यूज कर रहे हैं क्या पागल हो गया लगता है वो, नहीं आया ना इसीलिए पागल हो गया। चलो छोड़ो, अगला आईफोन के लिए किडनी बेचने के लिए रेडी रहना। तो दोस्तों इसी के साथ साथ TTG स्मार्टफोन अवार्ड्स 2020 हो जाता है ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को बहुत बहुत मज़ा आया होगा और थोड़ा हर बार की तरह हमने इसको फनी किया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारे लाइक कीजिए। इस वीडियो में हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं, नहीं अभी नहीं रखेंगे, नहीं बाद में टारगेट रखेंगे। और सभी कैटेगरीज हो जाते हैं ख़त्म। अगर आपको कोई सुझाव है या कोई सजेशन है या आप कुछ कहना चाहते हैं कि कोई स्मार्टफोन्स इस कैटेगरी या उस कैटेगरी में नहीं था, लिखा नहीं था, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी मन की राय। इसके साथ साथ आप नीचे जो मर्जी कमेंट कर सकते हैं और इसे बता दीजिए आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। इसके साथ साथ हमारा ये अवार्ड शो ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है 2020 TTG स्मार्टफोन अवार्ड्स। एंड मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आता हूँ आप लोगों के पास। अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप टेकिंग। ये एक ही अवार्ड है, चलो लेके घर चलो, चलो भाई घर चलो। अपलम चपलम करके अपलम चपलम करके कैसा जादू हुई गवा, अपलम चपलम करके कैसा जादू हुई गवा, के हमरा के हमरा के हमरा थिरकिट थिरकिट करके जिगरा झूम उठा, के हमरा थिरकिट थिरकिट करके जिगरा झूम उठा। ना 19 ना 20 रे बंधु ये सिर सवा, के हमरा के हमरा के हमरा थिरकिट थिरकिट करके जिगरा झूम उठा, के हमरा थिरकिट थिरकिट करके जिगरा झूम उठा, के हमरा थिरकिट थिरकिट करके जिगरा झूम उठा।